हेलो, एग्जाम सर दर है इसमें। जब ऑन हो रहा है कभी 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 एम्पियर ले रहा है, ठीक से नहीं ले रहा है। लेकिन मीटर में बल्ब में देखिए एम्पियर, देखिए घट जा रहा है, देखिए बंद हो गया है। इसमें गड़बड़, मैंने 35-25 आईसी सेंस कर दिया। इसमें देखिए इधर वोल्ट बहुत कम है, 9 नंबर पिन है, इसमें वोल्ट बहुत कम है। इधर 5 दिखाना चाहिए था, कम है। तो इसमें जो ये प्राइस है 222, उसमें आईसी तो सेंस कर दिया, ये सेंस करके देखना बाकी है। क्योंकि 9 नंबर पिन में वोल्ट ठीक ठाक नहीं आ रहा है, 9 नंबर पिन में वोल्ट ठीक नहीं आएगा तो ये आईसी परफेक्ट ऑन नहीं होगा। मैंने एक 222 पीएफ ले लिया, इसको लगा के देखते हैं। इधर जो ये लगा हुआ है मैंने नहीं लगाया, कभी कोई दूसरा कोई मिस्त्री लगा के रखा है। अब देखते हैं इसमें 9 नंबर पिन में कितना वोल्ट आ रहा है। टू पॉइंट टू देखिए, 5 वोल्ट, 5.7 आ रहा है। और रिले भी ऑन हुआ, और बल्ब देखिए ग्लो करने लगा है, ठीक से बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट लाइन दे के देखना है ये पंखा वंखा एम्पियर वेम्पियर ठीक ले रहा है कि नहीं। ऑन हुआ और एम्पियर जो मीटर है मेरा, इसमें देखिए एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 12 एम्पियर का सर्जर है, ये देखिए परसेंटेज चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो इसमें जो पीएफ था, पीएफ में कुछ वैल्यू मुझे लगता है शॉर्ट होके रहे, शॉर्ट हो गया है इसके अंदर से। अभी तो देखा नहीं रहा, जब था उधर तब उसमें शॉर्ट था, जब मैंने खोल लिया हीट लग गया तो अभी ये शॉर्ट नहीं देख रहा है। और देखिए मीटर में, मीटर में हल्का सा शॉर्ट हो रहा है, पहले हो नहीं रहा था, कभी कभी अंदर से शॉर्ट हो रहा है। इसका गड़बड़ी यही था, मैंने आईसी सेंस कर दिया था क्योंकि मुझे बाहर से जो मैंने मापा था तब इसमें पीएफ का शॉर्ट नहीं दिखा रहा था, इसीलिए आईसी सेंस कर दिया था। अरे पीएफ थोड़ा खराब था, एक सेंस कर दिया। तो
आज रखता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।